हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश की बड़ी दवा कंपनी कैडिला हेल्थकेयर ने कोरोना की दवा को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के एडिटर रौनक पटेल से बातचीत में कंपनी के चेयरमैन पंकज पटेल ने कहा है कि उनकी कंपनी कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है और इस वक्त एनिमल टेस्टिंग चल रही है। अगले महीने तक इसके नतीजे आने की उम्मीद है और उसके बाद इसे क्लिनिकल टेस्टिंग में डाल दिया जाएगा। पंकज पटेल का दावा है कि सब कुछ सही रहा तो 3 महीने में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। देश की बड़ी दवा कंपनी कैडिला का दावा है कि वो कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और अब इसका टेस्टिंग किया जा रहा है जानवरों पर। आप लोग रिसर्च भी कर रहे थे पंकज भाई, कोरोना को लेकर, उसके वैक्सीन को लेकर, वो बात कहां तक पहुंची और क्या उम्मीद है? हमारी जो वैक्सीन जो डेवलपमेंट चल रही है उसमें हमने वैक्सीन का इनिशियल लॉट बनाया है, उसको अभी हम एनिमल टेस्टिंग में कर रहे हैं। अगले मंथ तक हमको एनिमल टेस्टिंग के रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये रिजल्ट प्रॉमिसिंग हो गए तो हम क्लिनिकल ट्रायल में चले जाएंगे। हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर में। और इस वक्त रौनक पटेल हमारे साथ सीधा जुड़े हैं। रौनक, आपने पंकज पटेल से पूरी बातचीत की थी, बड़ी उपलब्धि होगी भारत की अगर इस वैक्सीन को हम लेकर आ पाते हैं। क्या कुछ पूरी बात उन्होंने कही है, किस स्टेज में है, कितना और वक्त लग सकता है, तमाम जानकारी? देखिए पंकज भाई से मेरी लंबी बातचीत हुई, स्काइप पे हुई, उसका एक पार्ट आप लोग देख पाए क्योंकि एंड में स्काइप कट हो गया था। लेकिन उनका साफ कहना था कि उन्होंने वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया, न सिर्फ काम करना शुरू कर दिया है लेकिन रिसर्च भी हो चुका है, वैक्सीन बन चुका है, उसका जो ट्रायल है वो जानवरों पे, क्योंकि एनिमल्स पे पहले होता है तो एनिमल्स पे हम लोगों ने शुरू कर दिया, यानी कि कैडिला ग्रुप ने शुरू कर दिया है और एनिमल्स में उनको उम्मीद है कि पूरी सफलता मिलेगी। उनका यह भी कहना है कि यह सफलता मिलने के तुरंत बाद उसको इंसान के ऊपर अप्लाई करने की जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर की जाएगी। उन्होंने अंत में यह कहा कि एक क्वार्टर के अंदर पूरा भरोसा है कि 3 महीने, एक क्वार्टर यानी कि अगले 3 महीने के अंदर ये वैक्सीन जो है इंसान के ऊपर लागू कर पाए, इंसान को दी जाए, कोरोना के खिलाफ दी जाए, उसमें उनको सफलता मिलेगी। उनको पूरा भरोसा है जिस प्रकार से शुरुआती रुझान मिले हैं और क्योंकि एनिमल्स के ऊपर ट्रायल चल रहा है और जो शुरुआत में जो रिजल्ट मिल रहे हैं उसके आधार पर पंकज भाई ये बता रहे हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है एक क्वार्टर के अंदर ये जो वैक्सीन है वो इंसान के लिए काम में आ सकती है। ये वही कैडिला ग्रुप है जो मलेरिया की दवाई बड़े पैमाने पर बनाती है देश में और दुनिया में, जो निर्यात जो होता है मलेरिया के वैक्सीन जो करीब करीब इसी प्रकार के सिम्टम्स वाला बीमारी मानी जाती है, महामारी बीमारी मानी जाती है, उसकी दवाई जो है वो बनाने वाले ग्रुप के चेयरमैन है। स्वाभाविक तौर पर काफी लंबे अरसे से उनका रिसर्च भी चल रहा था, जिस प्रकार से दुनिया में महामारी फैलनी शुरू हुई थी चाइना से तब से लोग रिसर्च कर रहे थे। जी आप रहे हमारे साथ रौनक, पंकज झा भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। पंकज मुझे ये बताइए, एक बड़ी उपलब्धि, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जाए, इसका ट्रायल शुरू हो गया है, अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं और क्लिनिकल ट्रायल सही होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है और अभी तक ये कहा जाता रहा है, बताया जाता रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है कोरोना का, तो पहली बार होगा। अगर देखिए अब इलाज के लिए अलग अलग तरीके की दवा दी जा रही है, कोई HIV की दवा दे रहा है, कोई मलेरिया के लिए टेमोफ्ली से, अलग अलग तरीके से ठीक किया जा रहा है। अगर ये हो जाता है जैसा कि कैडिला कंपनी का दावा है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अब तक इसका वैक्सीन नहीं था तो वाकई ये एक टर्न अराउंड हो जाएगा इस पूरे मामले में। जी पंकज आप रहे हैं हमारे साथ, रौनक पटेल भी जुड़े हैं। रौनक मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने लंबी बातचीत की थी उनके साथ, अब सवाल यह है कि क्लिनिकल ट्रायल तो वो कर रहे हैं जानवरों पर, अभी टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक के जो नतीजे आए हैं उस पर कुछ उन्होंने खुलासा किया, कुछ पूरी जानकारी दी कि वो नतीजे पॉजिटिव रहे हैं या उसमें और सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा अहम हो जाएगा कोरोना के जंग में ये सब कुछ? देखिए उनसे जो बातचीत शुरू हुई वह इसी आधार पर शुरू हुई, क्योंकि मलेरिया की जो टेबलेट थी अलग अलग देशों के अंदर ट्रायल बेस पे चलाई गई, लोग देते भी रहे क्योंकि और कोई वैक्सीन नहीं था और उससे ही जुड़े उसके अच्छे नतीजे भी उनको देखने को मिले, तो उसको मॉडिफाई करके, मतलब वही फॉर्मूला को मॉडिफाई करके ये लोगों ने प्रयास शुरू किए। उनका ये भी कहना था कि जिस प्रकार से देश जो है खास करके भारत की एक दो कंपनी आई है जो दुनिया के अंदर मलेरिया की दवाई देते हैं और उसके अच्छे नतीजे विदेशों में देखने को मिले, उसी आधार पर उन्होंने रिसर्च शुरू किया था। उनका कहना है कि हमारे जो भी साइंटिस्ट या तो जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने वैक्सीन बना लिया है। मैं फिर से बोलता हूँ, उनका साफ कहना है कि वैक्सीन बना लिया है,
अब उसका ट्रायल शुरू हो भी चुका है एनिमल्स के ऊपर, जानवर के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया, और उसके बाद में तुरंत बाद में ये कहते हैं कि उसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं और हमें भरोसा है कि एक क्वार्टर के अंदर नतीजे हम लोग इंसान के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप, मैं आऊंगा आपके पास, बीच में आपको रोक रहा हूं, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप। एक बार अपने दर्शकों को फिर से पूरी खबर बता देते हैं। देखिए, देश की बड़ी दवा कंपनी कैडिला हेल्थ केयर की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना की दवा उन्होंने बना ली है, वैक्सीन बना ली है। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के एडिटर रौनक पटेल से बातचीत में कंपनी के चेयरमैन पंकज पटेल ने कहा कि उनकी कंपनी कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है और इस वक्त उसका एनिमल टेस्टिंग चल रहा है। अगले महीने तक इसके नतीजे आने की उम्मीद है और उसके बाद इसे क्लिनिकल टेस्टिंग में डाल दिया जाएगा। और आपको सुनवाते हैं पंकज पटेल ने पूरी बात क्या कही है। आप लोग रिसर्च भी कर रहे थे पंकज भाई, कोरोना को लेकर, उसके वैक्सीन को लेकर, वो बात कहां तक पहुंची और क्या उम्मीद है? हमारी जो वैक्सीन जो डेवलपमेंट चल रही है उसमें हमने वैक्सीन का इनिशियल लॉट बनाया है, उसको अभी हम एनिमल टेस्टिंग में डाले कर रहे हैं। अगले मंथ तक हमको एनिमल टेस्टिंग के रिजल्ट मिलेंगे, अगर ये रिजल्ट प्रॉमिसिंग हो गए तो हम क्लिनिकल ट्रायल में चले जाएंगे। हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर में। देखिए, उस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, भारत की कंपनी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और रौनक पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बात की कैडिला कंपनी के चेयरमैन से। रौनक, मुझे एक बात बताइए, और कुछ उन्होंने बताया प्रोसेस क्या होगा? ये दवा अभी क्लिनिकल ट्रायल में जाएगी, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, लोगों के बीच तक कैसे पहुंचेगी, जो तमाम जांच की प्रक्रिया होगी वो कितनी लंबी चलेगी, इसको लेकर कुछ बोला उन्होंने? देखिए, मैं काफी लंबी बात करना चाहता था, और क्योंकि वो रिसर्च करते हैं और बड़ा नाम है, दिग्गज कंपनी है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो स्काइप से हम लोग जुड़े थे सोशल डिस्टेंसिंग के चल के, तो लंबी आगे बात नहीं कर पाई। लेकिन उसके पहले की जो बात हुई वो आपको कुछ ही मिनटों के अंदर आप दिखा पाएंगे लोगों को, दर्शकों को। तीन मुद्दों पर बात हुई। सबसे पहले तो बात हुई कि मलेरिया की दवा किस प्रकार से कारगर हो रही है और उसका स्टॉक भारत में पर्याप्त है नहीं, तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी बातें चल रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी कंपनी समेत जो भी लोग बना रहे हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में मलेरिया की जो टेबलेट बताई जा रही है उसका पर्याप्त स्टॉक है। दूसरी बात उन्होंने आगे बढ़ाई जब मैंने उनको ये पूछा कि कहा जा रहा है कि अब यूएस में भी ये दवाई निर्यात करेंगे तब जाके क्या किल्लत नहीं होगी, तो उनका कहना यह था कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी कैडिला ग्रुप निर्यात करती रही है। उन्होंने ये कहा कि हमारा आज भी यूएस के लिए जत्था रेडी है, और भी स्टॉक हमारे पास है जो देश में भी दे सकते हैं, दुनिया में भी दे सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने अहम, सबसे ज्यादा अहम बताई कि मलेरिया की जो टेबलेट की जो बात चल रही है निर्यात की, और चर्चा चल रही है कि उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है, लेकिन उनका दावा है कि नहीं, उनके यहाँ जो टेबलेट बन रहे हैं उसका पूरा रॉ मटेरियल हिंदुस्तान में ही पैदा होता है, रॉ मटेरियल की कोई किल्लत नहीं, यानी कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद तुरंत मैंने रिसर्च के बारे में पूछा जो आपने सुना, लेकिन वो कुल मिलाकर कहना चाहते थे, आखिरी शब्द शायद कट गया, अगले क्वार्टर में, यानी कि उनका कहना यह था कि अगले क्वार्टर में वो इंसान के लिए वो अप्लाई कर पाए, इंसान को दे पाए, इस प्रकार के कैपेबल हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक महीने पहले भी इसी प्रकार से हम लोगों की जब बात हुई थी उसी ग्रुप के लोगों से, तब से रिसर्च चल रहा था, तब से उन्होंने एक पॉजिटिविटी बताई थी कि हाँ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। उन्होंने ये तक जो मेरी बात हुई उसमें ऑन कैमरा ये तक भी कह दिया कि हाँ पहला जो लॉट है वो बन चुका है, यानी कि वैक्सीन का सिर्फ रिसर्च चल रहा है इतना नहीं, वैक्सीन का लॉट बन चुका है, एनिमल्स है उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि रिसर्च हो चुका है, पहला लॉट बन चुका है, सब लोग प्रार्थना करेंगे कि उसमें कामयाबी मिले, एनिमल्स के ऊपर सक्सेस जाए और इंसान के लिए भी ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर पाए। जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं रौनक, बहुत अहम जानकारी है। पंकज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, एक तरफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर विवाद चल रहा है दुनिया भर में, ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की एक कंपनी इतना बड़ा दावा कर रही है, और जिस तरह से एबीपी न्यूज से बातचीत में, रौनक पटेल से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि हम बहुत करीब हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है भारत के लिए अगर हम वहां तक पहुंच गए। आदर्श, देखिए, दुनिया के कई देशों में वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा आदर्श कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक डेढ़ हफ्ते पहले इस तरह का दावा किया था। अगर वाकई में कैडिला कंपनी जिस पर काम कर रही है ये बन जाता है, हो जाता है, तो फिर प्रिएंटिव मेजर्स इस कोरोना वायरस से बचने के लिए ये सबसे बड़ा तोड़ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया पंकज आपका, रौनक आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, देश की बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी कैडिला का दावा है कि वो कोरोना की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब हैं, जानवरों पर उस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है, और अगले क्वार्टर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो दवा बाजार में आ जाएगी, यानी कि लोगों की जान बचाने के लिए लोगों के बीच वो दवा पहुंच जाएगी।